रुमाइए बुझाने में आज जी रुमाइए दिने हके अंदर बैठ के आप मानता बुद्धि के सागर आदि सतगुरु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज इस पांच पद्मावती पुरी धाम में इसी बंगला दरबार में निस्बत का सागर खोल निस्बत हक की जो जात है क्योंकि निस्बत कौन है राज्य की ब्रह्म सृष्टियां है वो निस्बत वाणी को कहती है हक आशिक है हक क्या है अपन को दिमाग में लगाना है जैसे अपन को याद करना है राज्य कौन है आशिक है वाणी में कह रही है हक आशिक है और निस्बत वासी आशिक शब्द का अर्थ होता है जो कुर्बान हो जाए आशिक क्या कहलाता है आशिक का ये दिन में जो हो जाए कुर्बान तो राज्य क्या है मुंह पर कुर्बान आशिक है इसलिए वाणी कहती है हक आशिक और निस्बत हुए उसकी वासूक है तो कहती है के सातवा सागर है नूर नीर खीर दधि घृत मधु एक खोल और रस और सर्वरस बिन मोमिन न पावे कोई और तो ये निस्बत का सागर जिसको मिल गया वो तो निस्बत से हकीकत खुल गई निस्बत से क्या खुल गई निस्बत से मार्फत खुल गई निस्बत से इलम मिल गया निस्बत से हमें क्या मिल गया इशक मिल गया और एक निस्बत सागर ने क्या कर दिया कि इलम पा करके जो इलम लेकर के आया इस इलम ने क्या किया हक दिल में हमारे को अंदर डाल दिया कहां बिठा दिया राजी के दिल के अंदर क्यों क्योंकि परम नाम से हम क्यों आए राजी के दिलों का सुख आशिक है राजी राजी को हकाशिक है आशिक अपने दिल का सुख को दिखाना चाहता था क्योंकि अपन विचार करो आज अपन इतने लोग बैठे हैं अगर आप एक दूसरे के दिल की बातें जानने लगो तो एक दूसरे के दिल में क्या है समझ में आ गया ना कितनी गलती का हो जाए पता वो आदमी हमें कहे भाई साहब भाई पढ़ावा दिल के रहो अरे जो भाग्य है आ गई ना तो दिल किसी का कोई पढ़ नहीं पाता पति पत्नी का दिल नहीं पढ़ पाता और पत्नी पति का दिल पढ़ पाती है नहीं पढ़ पाता ना लेकिन सुंदर साहब आपसे जो इस स्वप्न संसार में राजी ने हमको भेजा भेज कर के वाणी कहती है एक इलम अंदर यू कहते हैं ये इलम अंदर मतलब बाथरूम में यू कहते हैं ये जो निस्बत देखा दुख क्या देख रहे हैं अपन निस्बत से ये दुख देख रहे हैं काय को आए अपन दुख देख रहे हैं निस्बत से दिखाया राजी ने तो दुख क्यों देख रहे हैं इन दुख में क्यों देख रहे हैं इन दुख में बका अर्थ के बका अर्थ मतलब परम नाम के है हक दिल के कई सुख क्या लेने आए हैं हक दिल के सुख लेने आए हैं तो हमें क्या चाहिए राजी के दिल का सुख अब दिल में जाना है तो कैसे जाएंगे इलम से जाएंगे इलम ऐसा आया क्योंकि ये इलम दुनिया का नहीं है ये इलम कहाँ का है परम धाम का इलम है तो ये इलम की रोशनी से हम हक दिल में गए और वाणी कहती है अपन कहिए ना अरे राजी के दिल में कितनी गहराई है या वाणी में कितनी गहराई है कोई परम पाया नहीं कोई नहीं पा सकता कितना भ्रम गलत बांटते हैं अपने दिमाग में अरे बोले ये वाणी को कोई परम पाया नहीं पा सका कहते ना अपन ये कहते ना इतनी गहराई है हमेशा सुनते आए कोई इसको नहीं पूरा कर सकता लेकिन पूरा कहा होना है राजी का दिल का सुख लेने आए राजी का दिल नाप लिया तो वाणी अपन को मिल गई पूरी वाणी क्या हो गई पूरी मिल गई ना अब तो कभी छिपो नहीं ना बचो रूप है तेरी हमके तो मगन हो न्याम काय में मगन हुई न्यापत में मगन हुई दिल में बढ़ गई तो राजी की दिल में न्याम से न्याम से बनी जो कभी पड़ी खोज में उभरे ना लग क्या मत है तो ये इलम आ गया इसलिए हमने क्या किया राजी के दिल में प्रवेश करा दिया और राजी के दिल को
नाप किया, ये किसके कारण हुआ? निष्पर सागर के कारण हुआ। दो इलम होते हैं भाई साहब, एक इलम पहले आता है, एक इलम आता है इशक के बाद। एक इलम काय के बाद आता है? जैसे राज्य की सूरत पन्ने गुम्बंडी में सुनी ना, हर सूरत खड़ी हो गई, परम धाम में पराक्रम जागृत हो गई, वो इलम एक अलग होता है और ये अपन इलम में आत्मा को जागृत करने का इलम अलग होता है। इसलिए वाणी कहती ना, आत्म देव विचार के पीयू लाए दो दो बेर मिला और बताया था, हाँ तो और दो दिनों की बात बताई थी। दो बेर आया, एक में उदय हुआ, एक में उदय मतलब आत्मा की जागृति हुई, दूसरे में हुआ उजाग। उजाग मतलब पराक्रम करी हुई होगी, समझ में आई, स्वप्न स्वरूप हृदय में पूरा लाई, तब निसूरत हटू निसूरत रूह की जाग खड़ी हुई। ब्रह्मान अभी गुमटी में सुन के आए पर ये बात तो खड़ी हो गई वो निसूरत। तो अब क्या है, एक इलम ने राजी के दिल में जाकर के राजी के दिल को नाप लिया, मतलब राजी को क्या दिखाना था, अपना दिल का सुख क्या दिखाना था राजी को अपने। ये जो मंदिर होते हैं ना निस्बत देखा तो दिन दुख में बकास के है हक दिल के कई सुख है, वो दिल का सुख राजी ने हमको इस संसार में बचा करके दिखा दिया। देख लो के दिया इन हक के, ध्यान से सुनने तो पाई, इन हक के इलम रोशनी, इलम रोशनी मतलब इलम के प्रकाश से, इलम की समझ से, ऐसे के इलम की समझ से राजी के दिल को सुखों को राजी ने दे दिया। कहा ना उन्हें इस्लाम में भी सुनाई का जो मोहर रखी थी ये ना सुख कहती है, इस्लाम वो मस्ती देवे पूरण इलम न तुमनी देवे लज्जा, क्या देगी ये इलम न तुमनी देवी स्वाद, ये सुख देने वाली है। इसलिए इलम को पढ़ो, इलम को समझो, इलम का मनन करो, इलम का चिंतन करो, इलम के बिना सुंदर साथ कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं सुंदरता आप विश्वास करो, इलम बना पड़े कोई नहीं कुछ मिलने वाला, क्योंकि समझ नहीं जाएगी कैसे पाएंगे भाई, कैसे कड़ी करेंगे, कैसे सुख मिलेगा हमें, संसार बुद्धि से कैसे मिल सकता है। जैसे अपन सोचो क्या अब प्रवचन हो रहा है, अपन प्रवचन में बैठ जाए तो क्या मिल जाएगा प्रवचन, खुद पढ़ो क्योंकि पढ़ाने वाले धनी है। कहा ना हक वतन की बारी की हक के लिए आवा, न सीखे न सिखाए हक में। हाँ आपको शुरू शुरू में चाहिए थोड़ा बहुत समझने के लिए, तो उतना बात तो समझने के लिए चाहिए चाहिए, पर वाणी पढ़ो खुद समझो खुद। हमने बार बार कहा प्योर हिंदी में वाणी लिखी है, बुंदेलखंडी में वाणी है, इतनी सरल बात नहीं है, पर पढ़ो 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 पढ़ो। हादी पढ़ाने वाले हैं, हादी समझाने वाले हैं, यही सतगुरु है। वाणी कौन है हमारी, वाणी सतगुरु है ना, कहते हैं इनके मतलब इन उल्टी से उल्टाई के प्रिया प्रेम करे, ये वाणी आपको इन माया से उल्टा करके प्रेम में सम्मुख करेगी, राज्य के दिल में ले जाएगी, राज्य के इष्ट में ले जाएगी, मेहर में ले जाएगी, सारी न्याय के देने के लिए सार्थम वाणी आई है। कह दिया आ गई आप समझ में, सब नापे सागर बेशक है। अब कोई ये नहीं कहना अरे हम इतना गहरा है, गहरा नहीं है, क्योंकि अर्जुन को क्या कहा था बीच में बैठ करके कि तुम्हें क्या मारने है, मछली की आंख में निशाना मारना है, ऐसा भी कही थी ना, तो उसने क्या किया, और लोग आए बोले क्या देख रहे हैं, बोले पेड़ देख रहा है, बोले पेड़ में बोले क्या आए, बोले मछली। अर्जुन से पूछा क्या बोले आखिर हमें क्या देख रही है, मछली की केवल आंख। अब इस संसार में हम आए तो हमें क्या चाहिए, राजी के दिल में जाना है भाई, वो घुसना उसमें राजी के दिलों का सुख लेना है, इसलिए
आत्मवाणी परम है, आत्म जागृति करता है, आत्मवाणी परम है। क्योंकि ये दुनिया में आए सुंदर साहब, आप तो तुम मरना है ना, आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन अभी ना, ये प्रभु सृष्टियों के लिए कोई सिंहासन कर गए और कोई बात है जंजी। अपन सोचते गए कल बाद ले भी, आज बाद ले भी, कल बाद ले भी, जंजी यही बात अब रह गए। लेकिन कोई जो संगीत श्याने श्याना पे ब्रह्म सृष्टि है, सिंहासन पे चढ़ गए, ये है मात्र पुष्टि। तो ये क्या है, सारे सागर सारी चीज इन दिनों की प्रकाश से रोशनी से सब इंद्रावती कहती है सब नप गया। ये भी ये नीलम और ये ईशक क्या है, ये सुख का सागर है, समझ में आ रही है। ये नीलम ये ईशक काय का सागर है, सुख का सागर। और सुख का सागर कहाँ है, यहाँ संसार में ही बैठ करके ये सुख सागर है। ये सुख सागर कहाँ बनाया, यहाँ बनाया। ये इलम और ये सब कहाँ आया, यहाँ आया। क्यों आया, क्योंकि उसकी निस्बत तू कहाँ है, राज्य की निस्बत तू कहाँ है, संसार में। उनके कारण ये निस्बत के कारण इस संसार में ये इलम और ये ईशक सागर सुख का इस संसार में आया। इसलिए अगर सुख सागर में जीना है तो कहां जाना पड़ेगा भाई साहब, इलम के सागर। सुख सागर में जाना तो कहां जाना पड़ेगा, निस्बत के सागर। निस्बत मिल गई तो इलम मिल गई, निस्बत मिल गई तो ईशक मिल गया। बिना निस्बत के करना कोटन करो अच्छा, बिन संबंध ना पाइए कोटन करो अच्छा, बिना संबंध के नहीं मिलेगा। इसलिए अपना संबंध लाओ, कर लो, भूल मत करो। ये संसार का है कुटुंब परिवार खेत कबीला सब तत्काल पुरस्कार, जिनसे जुड़ाए मोमनों को पहुंचाए अपने घर। और वाणी सुनो, माता पिता स्त्री भत्ता भ्रात पुत्र और कुटुंब परिवार, ये संबंध जान के रची और माया में मगन होके बची। समझ में आया, अरे भाई माँ चली गई, माँ चली गई, माँ चली गई, रो दो लेकिन तुम चली नहीं हो तो फिर क्या हो जाए। समझ में आ रहा ना, क्या करना है, अपने आप को वाणी पढ़ो, वाणी को देखो, अपने आप को जागृत करो। एक नियम, ये मानो स्तर तुलना वह साधु क्यों करता कमाओ, और जिस दे प्रभु पूरन मिल है सोई जनम। संसार मुक्ति अलग है, संसार मुक्ति के लिए माता पिता सब वही है। रात को अपन ने सुना ना, दृष्टा रहो, तुम्हारी मम्मी पापा गए रो, खूब रो दिखा दे के लाने, लेकिन दिन में कर को राज्य को पाने, राज्य के लाने करने। आज हम रोज रोज साल हो जाए, दो साल हो जाए, तीन साल हो जाए, क्या कर ले भी, कौन कहा गया, किसको गया, हमें तो जीते नहीं जाना है। समझो बात को, इलम को समझो, ये निस्बत से सब मिली है, इसलिए इलम और ईशक सब निस्बत से मिला है। वास्ते आए, आए ये सुखागर काय के कारण आया, वास्ते आए ध्यान देगा सुंदर था, वास्ते आए निस्बत। निस्बत कौन है, हक की, हमारे हमारे कारण आया ये सुख सागर। सुख सागर कौन कौन से आए, कौन आए बताए, नहीं ए इलम ए ईशक ए सुख सागर, इसलिए संसार में आए क्योंकि निस्बत रूह यहाँ आई, इसलिए संसार में जिन दो सागर यहाँ आए है हमारी निस्बत के कारण आए। ये दिया इस निस्बत के तौर सब सागर नप गए, पर निस्बत सागर नहीं नपेगा। क्यों नहीं नपेगा, क्योंकि हम तुम दुल्हा और मैं दुल्हनी, ये हमारी निस्बत है। अब वो जो दुल्हा है संसार में, संसार बुद्धि से समझो, संसार की औरत है, उसकी सब लड़की है, लड़की की शादी एक पति से हो गई, हो गई नहीं हुई, उसकी खुशियां वो कितनी साहेबी है, उसकी खुशियां उसकी साहेबी से है ना, उसकी खुशियां कैसे है, उसकी साहेबी से है,
अगर ना वो कभी बड़े खुश है और बड़ा घर में अरे बड़े घर में खुश में गए और ये कौन है, ये कौन है, ये आनंद का सागर है, ये कौन है, परम धाम का खुदा है, राजी है, धनी है, हमारा मूल जम्बाल है, इसके सुखों का कोई पारंपरा है इसलिए निस्बत का जो सुख दिया राजी ने, इसलिए वाणी कहती निस्बत नापा नहीं जाएगा, उसकी खुशियों का कोई पारंपरा, अरे इसक दिल नाम लिया, इलम नाम लिया, नूर सागर नाप लिया, नील सागर नाप लिया, सब नप जाएंगे लेकिन निस्बत नहीं नपेगी, क्योंकि राज्य हर पल में नया सुख देते हैं, हर क्षण में लीला बदलते हैं, हर क्षण में आनंद देते हैं, परम धाम के सुखों का कोई परंपरा है, परम धाम क्या है, आनंद का सागर है, हर कण में आनंद है, परम धाम में क्या है, हर कण में क्या है, आनंद ही आनंद है, वो आनंद की भूमिका है सुंदरता, इसलिए वो सुखों को कोई नहीं नाप सकता, लेकिन इस पर सागर का जो नहीं नापा जा सकता, इसलिए और इसकी तौल इसकी बराबर नहीं हो सकती है। या वो कैसे हक नियामक, या वो कहां से हक के नियामक, नियामक कहां से लाए, कैसे लाए वो नियामक, हक की नियामक, देखो एक सिपाही आती है, हक के नियामक, हक में बड़ी नियामक, बहुत अच्छी सिपाही मिली है, हमने कम से कम 2 महीने चिंतन किया सिपाही का, हक मेहर ये मन को लगता है यार ये हमें बंदगी करी, हमने सेवा करी तो हमें क्या मिले, क्या मिले तो वाणी में गए प्रश्न लेके कि हमें क्यों बताओ कि बंदगी को फल हमें क्या मिले, राज्य मिला हमें क्या चाहिए, क्या मांगना चाहिए राज्य महाराज जी से, बंदगी का फल, उनने कहा बंदगी का फल चाहिए तो आप ये मांगो, जिस अपन बंदगी गई तो क्या कहे, हक मेहर बड़ी नियामत, हक की मेहर बड़ी नियामत, बड़ी नियामत आई, मतलब यहाँ आएगी नहीं, पर आई इनाम आया, इशक आया, रिश्वत आई, मेहर आई, आएगी नहीं आई, तो हक मेहर बड़ी नियामत, रुओ तुम जिन छोड़ो उम्मीद, ये रू तू उम्मीद नहीं छोड़ना, दिल में विचार करना हमें नियामत चाहिए ही चाहिए, क्योंकि परम धाम से आई है, ऐसे ऐसा चिंतन करना पड़ता है, हमें नियामत चाहिए ही चाहिए, चाहे हमें दुनिया का जो कुछ त्यागना पड़े, चाहे हम प्राण निकाल लो, हमें तो बड़ी नियामत आई वो तो चाहिए चाहिए, तो हक में बड़ी नियामत, रूहो तुम जिन छोड़ो उम्मीद, सब फल एक बंदगी का, ध्यान देना बंदगी करती है ना, सब फल जितना भी बंदगी का हमने किए, जैसे पेड़ लगाया, पेड़ लगा के बड़ा हुआ, वो बड़ा होकर जो फूल भी लगे वो फल ना मिले तो पेड़ का कोई मतलब हुआ कि नहीं हुआ, बंदगी करी सेवा करी, सेवा का फल क्या चाहिए, तो सब फल एक बंदगी का, बंदगी का एक फल चाहिए जो तुझे खुले मुतलक अर्श भेद, जो तुम्हें खुल जाए पूर्ण अर्श के भेद खुल जाए, मतलब वाणी का रहस्य खुल जाए, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समझ में आ गया, ये पता पड़ गया यार कि हमें क्या चाहिए, वाणी का भेद मिल जाए, ये रहस्य भेद से भरी है वाणी, वाणी रहस्यों से भरी वाणी है, ये मिल जाए राजी, बस अब तुम क्या कराने बोल दो, भेद खुल गए रहस्य खुल गए, इतनी जाके करता हूं पूरन मनोरथ हुए, ये फल बन गई, एक 2 महीने चिंतन करते चुपाइयों का, तब ये चुपाइयां सारी चुपाइयां चिंतन की चुपाइयां है, खोजने गए खोज में मिली, कभी यहां खोज लो, कभी यहां खोज लो, कभी यहां खोज लो, कभी वहां खोज लो, बढ़ता जाएगा, आप वाणी कहती है दिन दिन अनुक्रम बढ़ेगा, दिन दिन प्रीत बढ़ेगी, दिन दिन आपका अंग खड़ा होगा, दिन दिन ये वाणी ऐसे पढ़ने हैं, तो कहती है हे सुंदरता वो कहां से लाए नियामत, वो नियामत हम कहां से लाए, ये निस्बत जो ये जो निस्बत सागर है, ये निस्बत का सागर मिल गया सुंदर सा, निस्बत में सब सुख है, निस्बत सागर करना पड़ेगा, उठ के आप खड़े लो अंग में आनंद,
किसक दिखाओ अपना मासूम करो प्रसन्न राजी को प्रसन्न करना पड़ेगा तो प्रसन्न कैसे होगा आप उसके लिए क्या करो अपनी कुर्बानी करो क्या करो आप मोमिन ने कुर्बानी करी तब तो पन्ना में आके दिया है कुर्बानी नहीं करते तो जिनने कुर्बानी नहीं करी आए तो होते 5,000 किनको मिली 500 कितने को मिली उनकी किस्मत थी उनको मिल गई बाकी को नहीं मिली ना ऐसे राजी को करो कुर्बान मेहनत कर लो अभी कोई समय बदला समझ लो राजी समझा रहे ये बात इसलिए कहते हैं ये अवसर है ये अवसर मिल गया है ये बाणी मिल गई है इन्हें तो आपने गलत रास्ता पकड़ लिया तो गलत गलत चलते चले जाओगे और अंत में चलो रब के पार हो मेरी बात ना वो गा बजा के भर जाए जीते जी परम धाम है मरने में परम धाम नहीं है सुंदरता विश्वास करो इसलिए कहते हैं वो तोर कहां से आए निस्बत की कि निस्बत मिल जाए तो निस्बत उस मिली तो सब मिली निस्बत से मेहर मिल गया निस्बत से इलम मिल गया निस्बत से हमें क्या इश्क मिल गया निस्बत से मार्फत मिल गई निस्बत से धनी मिल गए निस्बत से सारी चीजें निस्बत से ही मिलने वाली है जाने निस्पति मोमिन मतलब ये विचार आपके अंदर विचार नहीं आता ना जो विचार क्यों नहीं आती क्योंकि आप निस्पति मोमिन नहीं हो तो विचार नहीं आएगा लेकिन आप अपन को समझ में आ रही है तो जो निस्बत मोमिन है तो विचार उसके अंदर ये बात विचार में आएगी उसके अंदर ये निस्बत की बात विचार करेगी और निस्बत चाहिए उसी के अंदर ये विचार आएगा संसार के जीवों के अंदर आएगा विचार क्या नहीं आएगा विचार किसके अंदर आएगा जो निस्पति रूपे होंगे संसार में दो प्रकार के लोग हैं जीव और ब्रह्म सृष्टि है जो निस्पति है उसके अंदर ये विचार आएगा बाकी के अंदर जिसका संबंध होगा भैया पति जिसका होगा उसी की तुलन का तो विचार आएगा उसके सुख लेने का और नहीं आने वाला गहरा सागर है गहरा मतलब होता है इसकी जो थाय मतलब होती तली इतना गहरा सागर इसकी कोई थाय है ही नहीं है कोई पावना निस्बत बिना आ गई ना थाय के बिना नहीं मिलेगा निस्बत थाय पहुंच जाओगे अब तू कहे ना अरे बड़ो गहरो है जो ज्ञान वो तो मैं डरवा दे वो क्या है हिरण का पढ़ने वाला है पढ़ा है उसने क्या कर दिया तुमको डरवा दिया बोले पढ़ो के है रो है जो इनकी कोई था है नहीं है तो मैं लगो यार बाप रे अबे तो हमारी सुन हुई नहीं वो जो कह के रो है उसने कर दिया आ गया उसने रास्ता मार लेकिन क्या कहती काम निस्बत मिल गई पहले कहिए निस्बत मिल गई क्योंकि था मिल गई गहराई मिल गई निस्बत की बिनाई मिलने वाली नहीं है तो क्यों कहूं छोड़े निस्बत की देरिया अब बताओ ये निस्बत से सब मिलने वाला है इसके तुल में कौन सा सागर लाए कौन सी चीज से निस्बत को जोड़ ले आ गई ना हमें जो इनको सुहाग मिल जाए बहुत पर कसु जाने की जरूरत हाँ तुम दुदा और मैं दुदनी और मैं जानू बात इस अक्षों सेवा करूं सब अंगो अच्छा ये सुख मिला सुंदर था बात ये निस्बत के तौर कहा से लाए जो दीजिए निस्बत मान अन्य जो दीजिए निस्बत मान शब्द आ गया मान अरे ना जितनी निस्बत का जो मान है उसके बराबर कौन सी चीज ला करके तौल दे वो मान कोई तौल दूसरी निस्बत से बड़ी कोई चीज नहीं है प्यारे और निस्बत कौन है हम रूने हैं निस्बत ही कौन है हम रूने हैं बस अपना मासूम को आशिक को कर लो प्रसन्न यही हमारी जागनी है और यही निस्बत है तो इसके तौर कहां से लाए निस्बत कह दिया निस्बत कौन है हक की जात किसकी है
राजी की सुहागनी नार उसकी जात है। सोचो हाय हाय क्या शोभा नहीं राजी है, यही तो नहीं जानते थे अपन परम धाम में। मैं दिखाऊं अपना किसक और दिखाऊं अपनी पासाही। शोभा कही चौदह लोग की पासाही या देख लो देख ले चौदह लोग की नहीं हमारी पासाही दिखाई जाती है हमारी ये हमारी पासाही दिखाएगी। देख लो नस्पति युग में कौन है जिसको पूरी दुनिया का लोग ढूंढते मरते पकड़ते बड़े बड़े लोग मर गए दशा नहीं पाई धर्म नहीं पाया जाना नहीं उसकी हम कौन है आपकी जात है वो हमारा बुला है और जो उसकी बुलंद है। दिया जो हक है वायदा से सुभान वो है तो बोलो इन दो का जो हक है जो वायदा दी है जहां एक के लिए जहां कोई एक के लिए जहां वो हक सुभान वहां रहने वाला राजी महाराज वो हमारा पति है ये हम इस पर तुमके है उनसे हमारा संबंध है इसलिए दावा परम धाम हमारा रंग मोल में रहने वाले हम क्या तोड़ के चलते हैं क्या रसोई की हवेली क्या फरोगली में जाके नहाओ क्या धूलमनी में जाओ तीसरी मोम की पड़ताल में जाओ रंग मिलावा में जाओ आए हाय पांचवी मोम में रंग बरवाली मंदिर में जाओ क्या जब चाहे आप लेके आते ही बस्ते जाओ क्या जब चल जाओ क्या जब ऊपर घूम जाओ आकाश में होगा नीचे आ जाओ खिड़की के घरों के देखो फूलवार फूलवार मीलो मीलो दूर चले गए इस तरफ जाकर के देखो पट्टी भर की चौकी और बहुत छोटा तालाब देख लो और जाकर मालिक पहाड़ तक जाकर दो चौबीस हाथ तक देखते हुए आगे देख लो इस तरफ जाके तो फिर चौबीस मोड़ में जाके खड़े हो जाओ तो देख लो पूरा ही पहाड़ क्या जहाँ चले आसान में देखो बार बार सात घाट देखो जमुना जी देखो पांच घाट देखो क्या जब खिड़की में बैठ के और वहां पर देखो कितनी बढ़िया बात है बैठ गए सब और तू रह रहे हैं रो इनके लिए प्रार्थना करो इनके लिए भेज जाओ